Hi all. We will start the webinar in just another 3 to 4 minutes, please. Shivani ma'am, thank you very much. Ma'am, आप म्यूट पे है, जब भी हम बात करना चालू करें आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ जी, I'll unmute when I start. हाँ जी, जी मैम, मैं अभी म्यूट पे डाल रहा हूँ. काकुन जस्ट एक दो मिनट में लॉग इन ही कर रहे हैं. Sure. We'll start in 2-3 minutes. Sure. Yes, I'm on. I'm great. Yes, I'm logged in. Kakun, hi, good to go. Everybody's there. Yeah, all right, great. नमस्कार. आज के दैनिक भास्कर के नॉलेज सेमिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज हमारे साथ सुषमा दीदी भी हैं और शिवानी दीदी भी, जो हम जिनके साथ हम काफी देर तक आज बात करेंगे. आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप उनका ब्लेसिंग्स लें, सारे लोगों को जो आज आप लोगों को सुनने वाले हैं उन सभी को आप अपनी ब्लेसिंग्स दें. सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुषमा दीदी जी को, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफी सब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से बताती हैं, जिसका उपयोग जीवन में सफलता और आत्म उन्नति के लिए किया जा सकता है. 1971 से उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि उन्होंने जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम जैसे कई यूरोपियन देशों में स्पिरिचुअल सर्विसेज स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी को, जो एक विश्व विख्यात स्पिरिचुअल वक्ता रही हैं. आज ब्रह्म कुमारी संस्थान से आप ब्रह्म कुमारी संस्थान से पिछले 22 वर्षों से जुड़ी हुई हैं. आपके द्वारा भावनात्मक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला आरंभ की गई है, जैसे इंटेलिजेंस, लीडरशिप स्किल, पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप, सेल्फ रियलाइजेशन और राजयोग अभ्यास की व्यावहारिक तकनीक. एसोचैम द्वारा आपको वुमन ऑफ द डेकेड अचीवर अवार्ड 2014 में नवाजा गया है. वर्ल्ड साइकियाट्री एसोसिएशन 2017 का आपको गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया. इंटरनेशनल विमेंस डे 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत में नारी शक्ति सम्मान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. आज हमारे साथ हमारे एस्टीम्ड क्लाइंट श्री एलसी मित्तल जी, डायरेक्टर मोतिया ग्रुप जीरकपुर चंडीगढ़ भी हैं, हमारे साथ हैं. वो आपको ओम शांति कहना चाहते हैं. पिछले 10 सालों से भी वो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं. हम सभी की ओर से आपको हम ओम शांति कहना चाहते हैं और अब हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं. शिवानी दीदी, वी कैन स्टार्ट. ओम शांति दीदी, आप ब्लेसिंग्स देंगे पहले, फिर स्टार्ट करेंगे हम. ओम शांति.
आज का दिन बहुत महान दिन है, जब हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। आज के हमारी मीठी बहन कोकुन सेठी जी और चंडीगढ़ से डायरेक्टर मित्तल जी और जयपुर से भाई रवि शेखर शर्मा जी, हमारी विदुषी विद्वान बहन शिवानी दीदी जी, पूरा दैनिक भास्कर परिवार, सर्व पाठकगण, कितनी अच्छी बात है, एक बहुत सुंदर नॉलेज सीरीज शुरू हो रही है। और आज का विषय है कि ऐसे समय में भी हम आशावादी कैसे रहें। तो जब मैं ये शब्द पढ़ रही थी आशावादी, तो मेरी बुद्धि में आया कि आशा और इच्छा दो शब्द हैं। इच्छाएं तो मनुष्य में बहुत हैं। अभी इच्छा हो रही है मैं चाय पी लूं, मेरी इच्छा है मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरी इच्छा है मेरे बच्चे अच्छे हों। ये अनेक इच्छाएं अल्पकालीन मनुष्य करता रहता है, जिसके लिए कहते हैं मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। लेकिन आशा क्या है? आशा माना है विश्वास, भरोसा, उम्मीद। आशा एक क्वालिटी है। मान लीजिए कोई डॉक्टर तो बन गए, लेकिन अच्छा डॉक्टर होना ये हम सबकी आशा है। घर में बेटा तो पैदा हो गया, लेकिन आशा परिवार की ये है कि हमारा ये बेटा बहुत अच्छा लायक बने। तो क्वालिटीज को अपने आप में बढ़ाना वो हमारी आशाओं को पूरा करता है। बच्चों, माँ बाप को बच्चों से आशा है, परिवार को हमसे आशाएं हैं, समाज को आशाएं हैं, देश को आशाएं हैं, हम नागरिक तो सब हैं, लेकिन एक अच्छे नागरिक हों ये सबकी आशा है। तो इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती हैं, हद की हैं, लेकिन जब निस्वार्थ भाव है, पर उपकार की भावना है, तो वो इच्छा आशा में परिणत हो जाती है। तो हम सदा आशावादी रहें, उसके लिए हमें ऐसे समय में क्या करना होगा? हमें अपने अंदर शुभ संकल्पों की और शुभ भावनाओं की रचना रचनी होगी, जिसके लिए अक्सर लोग पूछते हैं अच्छा कितने संकल्प करें, कितनी देर करें, भावना कितनी देर करें। तो भावना क्या है? जो हम संकल्प अनेक बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, वो हमारी भावना बन जाती है। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं मैंने आपको कुछ कहा ना, मेरा भाव ऐसा नहीं था। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम कंप्यूटर एज में हैं, हम जो कुछ कंप्यूटर में फीड करते हैं वही तो प्रिंट आउट आता है ना। ऐसे ही हमारे मन में जो भाव है, हमारी जो वाणी है, भाषा है, ये उसका प्रिंट आउट है। इसलिए हमें अटेंशन ये देना है कि मेरे सारे संकल्प अच्छे हो, सबका भला हो, हम श्रेष्ठ संकल्प जमा करने में लग जाएं। अभी जो हमें ये लॉकडाउन का टाइम मिला है, हम सारा दिन में देखें मैंने आज कितना संकल्प रूपी खजाना जमा किया है, और जितना अपना खजाना जमा होगा उसका प्रूफ है मेरी वाणी, मेरी भाषा बदल जाएगी। यूं भी कहते हैं कोई कुछ नहीं बोलता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं अरे कुछ तो बोलो, बोलो, जो बोएंगे वही लेंगे। हम मीठा बोलेंगे, शुभ बोलेंगे, आशीर्वाद के बोल बोलेंगे, प्रेरणादायी बोल बोलेंगे, तो वही हमारे पास वापिस आएगा। तो इसलिए आज का ये जो हमारा एक वेबिनार शुरू हुआ है, हमें इसमें जो सारी सृष्टि पर एक बहुत बड़ी ग्रहचारी आई है, इस ग्रहचारी को अगर हम टालना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, तो हमें आज अभी से ही शुभ भावना के संकल्प करने होंगे। क्या संकल्प करें? सर्व का भला। हम सब आत्माएं, हम सब मनुष्य इस सृष्टि पर एक पिता परमात्मा की संतान होने के नाते भाई भाई, ब्रदरहुड की भावना हमारे अंदर जागृत हो। तो जब हमारी भावना, हमारे बोल श्रेष्ठ होंगे, तो कोई भी शक्ति नहीं है
जो इस ग्रहचारी को न उतार सके। तो प्लेनेट पे आई हुई, पूरे विश्व में आई हुई इस ग्रहचारी को, महामारी को, कोई भी नाम दे, वो कोविड कहे, वो कोरोना कहे, भाई कुछ तो करो, करो क्या करो, कुछ अच्छे संकल्प करो, सदा ही करने हैं, अच्छा ही देखना है, मेरा समय किस में जा रहा है। तो एक सेकंड के लिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगी कि आप जहां भी बैठे हैं, एक सेकंड अपने अंदर ये शुभ संकल्प लाएं कि मैं उस सर्वशक्तिवान की संतान, श्रेष्ठ आत्मा, इस धरा पर सबका उपकार करने के लिए आई हूं। और दो लाइनें मैं एक गीत की भी सुनवाना चाहूंगी जो हमारे अंदर एक आशा का भाव भर देंगी। तो चलो करें संकल्प। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा में है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। तो कितना ना अच्छा हो अगर हम सब यही भावना अपने मन में पैदा करें कि हम सब का भला हो, सब का जीवन श्रेष्ठ हो। आप सब जो भी आज जुड़े हैं, आप सब अपने जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, सिर्फ हमें प्रेरणा ही नहीं दी लेकिन परमात्मा की याद का गीत सुनाकर कुछ लाइनों में ही हरेक का बुद्धि योग परमात्मा से जोड़कर सिर्फ आशा ही नहीं, हम सबके अंदर विश्वास भी भर गया। तीन शब्द ही है, एक है ना उम्मीद, निराशा, दूसरा है आशा और तीसरा है विश्वास। इन तीन शब्दों को ही देख लें तो तीनों की एक अलग अलग एनर्जी है। तीनों को कहते हुए भी आपको एक अलग वाइब्रेशन महसूस होगी। तो ना उम्मीद, सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं इस साल कुछ भी नहीं हो सकता, अच्छा ये साल तो ऐसे ही राइट ऑफ कर दो, ये ना उम्मीद निराशा। फिर है अगली हायर एनर्जी, आशा, होप, नहीं अच्छा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम मेहनत करेंगे तो अच्छा हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा, ये है आशा के शब्द। तो वो है सेकंड हायर एनर्जी। लेकिन एक है थर्ड हाईएस्ट एनर्जी, विश्वास, निश्चय, फेथ, कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं बहुत बढ़िया ही होने वाला है हमारा भविष्य। तीन अलग वाइब्रेशंस हैं
निराशा आशा एंड विश्वास, डर डर फियर, ऊपर है फेथ विश्वास निश्चय, ये दोनों एक सोच ही तो है। यहाँ क्या सोचना है ये तो हमारी चॉइस है ना, लेकिन पिछले कुछ महीने से हमने क्या किया, हम सब ने मिलकर डर क्रिएट किया, एंजाइटी चिंता तनाव चिड़चिड़ापन और भविष्य को देखकर निराशा। और सिर्फ कुछ घंटों की निराशा और दुख और डर नहीं था, ये कुछ दिनों का नहीं था, इसको कुछ महीने हो चुके हैं। और जब इसको कुछ महीने हो जाते हैं और सिर्फ एक छोटी सी जगह में शहर में देश में नहीं पूरे विश्व में होता है, तो सिर्फ अगर आप एक सेकंड आंख बंद करके देखेंगे ना, वाइब्रेशन क्या है इस समय सृष्टि की। हम ये देख रहे थे कि परिस्थिति क्या है इस समय सृष्टि की, और सबने कहा पहली बार है जब पूरी दुनिया में एक ही क्राइसिस आया है, सेम एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक ही क्राइसिस पूरी दुनिया में आया है, ये हम सबको दिखता है। लेकिन दूसरी चीज जो हम नहीं देख रहे हैं, एक ही समय पर पूरी दुनिया में एक ही इमोशन क्रिएट हुई है, एक ही वाइब्रेशन क्रिएट हुई है, और वो है डर और निराशा। क्राइसिस, वो जो परिस्थिति है हमारी, हम सबको पता है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, इवन एक बच्चे के लिए एक एग्जाम ही उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाकी हम सबके जीवन में अलग अलग बातें आती हैं। कभी सेहत की कोई बात आती है, कभी रिश्तों में कोई बात आती है, कभी हमारे काम कारोबार में कोई बात आती है। जब भी कोई संकट आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, हम सबको पता है कि उस मुश्किल को क्रॉस करने के लिए हमारा मन कैसा होना चाहिए, शांत स्थिर एक रस एकाग्र। जो मन शांत और स्थिर होगा वो सही सोचेगा, जो सही सोचेगा वो सही परखेगा, सही परखेगा सही निर्णय लेगा, और वो मन उस परिस्थिति के ऊपर विजय पा, मन ने परिस्थिति पर विजय पानी है, स्वस्थिति ने परिस्थिति पर विजय पानी है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति का सामना तो हमारी स्वस्थिति हमारे मन ने ही करना है। लेकिन अपने जीवन को देखते हैं, और सिर्फ अभी नहीं, 2-3 महीने पीछे चलते हैं, तब भी हम अपनी जीवन कैसे जी रहे थे, हम अपने मन की जिम्मेवारी खुद नहीं ले रहे थे। हम कह रहे थे यहाँ जो भी चलता है ना उसका जिम्मेवार कुछ ना कुछ बात है बाहर। तो जब भी कोई मन परेशान होता तो हम कहते उसकी वजह से परेशान है, चिंता होती तो कहते आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता है, गुस्सा आता तो कहते उसने काम ही ठीक से नहीं किया तो गुस्सा तो आएगा ही, दुख होता हर्ट होता तो कहते बात ही उसने ऐसी की थी, हर्ट तो होना ही था। तो ये सारी जो हमारी भाषा थी वो ये कह रही थी कि यहाँ जो भी होता है वो यहाँ से कंट्रोल नहीं होता, उसका जिम्मेवार कोई ना कोई बाहर है। और ऐसा सोच सोच के हमने अपने मन को परिस्थिति का गुलाम बना दिया, हमने अपने मन को लोगों के व्यवहार का गुलाम बना दिया, और हमने कहा जब सब कुछ बाहर अच्छा होगा, जब सब कुछ मेरे अनुसार होगा, जब लोगों का व्यवहार जैसा मुझे चाहिए वैसा होगा, तब मेरा मन खुश होगा सुखी होगा। ये तो हो नहीं रहा था क्योंकि लोग अपने अनुसार थे, हमारे अनुसार तो थे ही नहीं, परिस्थितियां कभी अच्छी थी कभी हमारे अनुसार नहीं थी, और इसीलिए हमारे मन को हलचल में आने की आदत पड़ गई, मतलब हिलने की, स्थिरता नहीं शांति नहीं, और इसलिए हमारी मन की स्थिति शिफ्ट हो गई थी। शांति जो हमारा नेचुरल स्वभाव है, हमारा संस्कार है, हम शांति की बजाय तनाव में आ गए थे। सुख जो हमारा नेचुरल संस्कार है उसकी बजाय हम दिन में कई बातों में दुखी हो जाते थे। खुशी की बजाय हम उदास हो जाते थे, शक्ति की बजाय हम नाराज हो जाते थे। और हमने क्या करना शुरू किया, ये चिंता दुख नाराजगी इसको नॉर्मल कह दिया। नॉर्मल क्या था, शांति शक्ति पवित्रता प्यार, वो हाई वाइब्रेशन, वो ऊंची मन की स्थिति, वो हमारा नेचुरल स्वरूप, वो नॉर्मल था। हमने तो चिंता दुख
नाराजगी, ईर्ष्या, स्पर्धा, कंपैरिजन, कंपटीशन, इनको सबको नॉर्मल कह दिया, और क्योंकि हमने उनको नॉर्मल कह दिया, हम उन्हीं के साथ जीते गए। और जब यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस नॉर्मल हो गई, तो शरीर में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, रिश्तों में डिवोर्स नॉर्मल हो गया, एडिक्शन नॉर्मल हो गई, इतनी सारी अनकंफर्टेबल चीजों को समाज ने नॉर्मल कहा, हमने उसको स्वीकार किया और हम अपना जीवन वैसे ही जी रहे थे। और ऐसे हम जी रहे थे तो ये परिस्थिति आ गई। और जब ये आई, और वैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे ही चल रही थी कि यहाँ वो ही होता है जो बाहर कैसा होता है, तो सबने कहा डर तो नॉर्मल है, एंग्जाइटी तो नॉर्मल है। सरकार ने, मीडिया ने हर रोज दिन में कई बार 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 हमें एक लाइन लिख के दी, उन्होंने कहा टेक केयर, डोंट पैनिक, ध्यान रखो, डरो मत। हमने ध्यान रखना सीख लिया, सब कुछ आ गया हमें अब कि कैसे अपना ध्यान रखना है, लेकिन डरो मत हमने उसको छोड़ दिया। हमने कहा डरो मत कैसे, डर तो लगना ही है। और फिर कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन नहीं, आज हमें 2 महीने से ऊपर हो चुका है, ये डर नेचुरल स्वभाव और संस्कार बन रहा है। अब ये डर सिर्फ हमारा अपना नहीं है, लेकिन डर वातावरण में भी है। हम सबको पता है कि वातावरण का प्रभाव हमारी मन की स्थिति पर भी पड़ता है, और हमारी मन की स्थिति का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। एक घर में 4 लोग रहते हैं, उस घर की अगर ऊर्जा को चेक करना है कि उस घर की एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, तो वो घर की वाइब्रेशन होती है उन 4 लोगों का मन, उनका मन, उनके बोल, उनका व्यवहार उस घर की वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और इसीलिए हर घर की अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग अलग वाइब्रेशन होती है। अब यही लोग जो सभी हम घर में रहते हैं, हमारे घर की अलग अलग ऊर्जा है। जब हम मंदिर जाते हैं, वही लोग, हम जो लोग घर में रहते हैं, हम जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आश्रम, कोई भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे बोल बदल जाते हैं, हमारा व्यवहार सेवा भाव का हो जाता है। और इसीलिए हर धार्मिक स्थान की ऊर्जा, हर तीर्थ स्थान की ऊर्जा बहुत हाई एनर्जी, क्योंकि वहां जाकर हमारी हर सोच और शब्द क्या होता है, परमात्मा, उसको याद, पवित्रता, शक्ति, क्षमा, सहयोग, सुख, शांति, प्यार, यही शब्द होते हैं हमारे। घर आते हैं, टेंशन, गुस्सा, निंदा, किसी को डांटना, किसी के बारे में ग्लानी करना, किसी के पीठ पीछे कुछ फैलाना, तो घर की एनर्जी, धार्मिक स्थान की एनर्जी अलग। अब वो ही हम सारे लोग अगर एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां की ऊर्जा अलग। हम वही लोग सारे ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस की ऊर्जा अलग। तो ये जो सारे स्थान है, चाहे वो घर है, ऑफिस है, धार्मिक स्थान है, शॉपिंग मॉल है, इसकी अपनी कौन सी एनर्जी है? इसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, ये तो एक बिल्डिंग है, लेकिन इसकी एनर्जी बनती कैसे है? उन लोगों से जो इसके अंदर होते हैं। लेकिन इसके अंदर तो सेम लोग ही जा रहे हैं, वही लोग चारों जगह पर जा रहे हैं, लेकिन चारों स्थानों पर उन वही लोगों की सोच, बोल और व्यवहार अलग अलग है। और हमारी सोच, बोल और व्यवहार से जगह की ऊर्जा बनती है। इसी तरह हमारी सोच, बोल और व्यवहार से सृष्टि की ऊर्जा बनती है, पृथ्वी की वाइब्रेशन बनती है। हमारे मन की स्थिति सिर्फ हमारे मन की स्थिति नहीं होती है, हमारे मन की स्थिति का प्रभाव सृष्टि की वाइब्रेशन पर पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि। ये लाइन हमें पता है, लेकिन हम इसको जीते नहीं हैं। संकल्प से सृष्टि की बजाय हम सारा दिन सृष्टि से संकल्प करते रहते हैं, मतलब दुनिया में जो हो रहा है वैसा हम सोचते हैं। ये नहीं याद रहता जैसा हम सोचेंगे वैसी दुनिया बन जाएगी। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को पकड़ना है, संकल्प से सृष्टि है, सृष्टि से संकल्प नहीं है, संकल्प से सृष्टि है। दूसरी लाइन, संकल्प से सिद्धि है, संकल्प से सिद्धि, इसको पकड़ लेते हैं आज।
जैसा हम सोचेंगे वो सिद्ध होता जाएगा. What we think will manifest. जो हम सोचेंगे और बोलेंगे हमारे जीवन में होता जाएगा. अगर हमें ये याद रहे कि संकल्प से सिद्धि, तो क्या हम कभी गलती से भी, हम स्वप्न में भी कोई गलत थॉट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं करेंगे. अगर ये लाइन याद रहेगी, संकल्प से सिद्धि, तो संकल्प से सिद्धि मतलब जो हम चाहते हैं कि वास्तविकता में हो, वो हमें सोचना है. यहाँ सोचना है, यहाँ उसको देखना है और बाहर उसको बनाना है. लेकिन अभी जो हो रहा है, अगर हम सिर्फ वही सोचेंगे, वही देखेंगे, तो वो और बनता जाएगा. सो इक्वेशन राइट रखनी है. संकल्प से सिद्धि है और संकल्प से सृष्टि है. ये दो लाइन को पकड़ लेते हैं. दूसरा, ये याद रख रहे हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं परिस्थिति पर निर्भर नहीं है. हम सब फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वराज्य हम चाहते हैं, फिजिकल फ्रीडम कि मुझे किसी पर फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होना, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे किसी से पैसा नहीं लेना, मेरे पास अपना पैसा होना चाहिए. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, स्वराज्य, स्व पर राज्य. इमोशनल फ्रीडम मतलब मेरी भावनाएं किसी और पर निर्भर नहीं, मेरी अपनी चॉइस है. ये बात सच है, सिर्फ हम अपना अपने आप को बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा. और सिंपल एग्जाम्पल घर में ही देख लीजिएगा. कोई बात आती है घर के अंदर, वो बात तो सभी के लिए एक बराबर होनी चाहिए. चार पांच लोग हैं उस घर में, कोई मुश्किल आई है, सभी के लिए एक बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक बराबर होती नहीं है. उसी बात के लिए घर का एक सदस्य कहता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है. दूसरा कहता है, हाँ प्रॉब्लम तो आई है. तीसरा कहता है, इट्स ओके, छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगी. चौथा कहता है, कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल बात है, ऐसी बातें तो आती रहती हैं. तो बात का साइज क्या है? बात का कोई साइज नहीं होता, परिस्थिति का भी कोई साइज नहीं होता. साइज होता है हमारी शक्ति का. अगर ये आत्मिक शक्ति कम होती है तो वो बात हमें बड़ी लगती है. जब आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो बात छोटी हो जाती है. तो बात के साइज में नहीं जाना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है. और इसलिए आज से एक प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जो कि सिर्फ इस कोरोना वायरस के टाइम नहीं, जीवन भर के लिए हमारी क्वालिटी को चेंज कर देगी. और वो एक अभ्यास ये है, यहाँ जो भी होगा उसकी जिम्मेवारी खुद लेंगे. गुस्सा किया, हाँ मैंने किया, किसी और की वजह से नहीं, मुझे गुस्सा आया, मैंने क्रिएट किया. चेंज कौन करेगा? मैं. कितनी देर में? तुरंत. और अगली बार एक अलग तरीके से बात करेंगे. लेकिन अगर हमने कहा उनकी वजह से, गलती उनकी इतनी बड़ी थी, तो हम इंतजार करेंगे कि वो बदलेंगे, और जब वो बदलेंगे तब मेरा गुस्सा खत्म होगा. वो अगर बदल भी गए तो कोई ना कोई और हो जाएगा जो हमारे अनुसार नहीं होगा, और हम अपना जीवन गलत भावनाओं, गलत संस्कारों के साथ बिता देंगे. तो अपनी इमोशन का जिम्मेवारी, आई एम इमोशनली फ्री, इंडिपेंडेंट. मेरी हर सोच, मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल और व्यवहार मेरी जिम्मेवारी है. ये है स्वराज्य. और जब हम इस तरह से जिएंगे तो हमारी हर सोच हाई एनर्जी होगी. तो पहली चीज, यहाँ की जिम्मेवारी हमारी अपनी है, किसी और पर आधारित नहीं. अब जब हम इस परिस्थिति की बात करते हैं, इसमें भी सारे कह रहे डर नेचुरल है. हम चेक करें, मुश्किल में क्या डरना नेचुरल है? मुश्किल समय को क्रॉस करने के लिए तो शक्ति नेचुरल है, स्थिरता नेचुरल है. तो आज भाषा को बदलते हैं, ये कहने के बजाय कि हाँ डर तो नेचुरल है, हम ये कहना शुरू करते हैं, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, मुझे विश्वास है, मुझे संपूर्ण निश्चय है कि सब कुछ बहुत बहुत जल्दी बहुत बढ़िया होने वाला है. ये निश्चय, विश्वास, निर्भय और निडर, ये पहले सोचना शुरू करना पड़ता है. शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे तो कोई विश्वास नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है. लेकिन उस डर को ही तो खत्म करना है,
और डर को खत्म करने के लिए संकल्प को बदलना है। तो घर की ऊर्जा नहीं, ऑफिस की ऊर्जा नहीं, हमें इस समय सृष्टि के ऊपर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वाली एनर्जी चाहिए, मतलब हीलिंग एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ मेडिटेशन, एनर्जी ऑफ प्रेयर, एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग्स। ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन अगर पूरी सृष्टि पर इस समय आ जाती है, तो जो स्टैटिस्टिक्स हम सारे सोच रहे हैं ना, वो सारे स्टैटिस्टिक्स बदल जाएंगे। हम सबको अनुभव है, अपने जीवन का भी और इतिहास का भी, कि जब भी कोई बात आई, कोई गांव में बारिश नहीं हो रही थी, कोई अकाल पड़ा था, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आई, सबने कहा परमात्मा को याद करो, इकट्ठे मिलकर करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, दुआएं दो। सबने किया, एक दो चार ने नहीं, पूरे गांव ने मिलकर किया। और जैसे सब लोगों ने मिलकर किया, असंभव संभव हो गया। एंड दुनिया ने उसको कहा मिरेकल। मिरेकल कुछ भी नहीं होता है, मिरेकल होता है एक मन जो उस परिस्थिति से ऊपर सोचता है और परिस्थिति के ऊपर सोचकर परिस्थिति को बदल देता है। तो इस समय सृष्टि को एक मिरेकल की जरूरत है, और वो मिरेकल हम सब मिलकर क्रिएट करेंगे। ये हमें संपूर्ण निश्चय और विश्वास है कि हमें मिरेकल क्रिएट करना है। अभी जो स्टैटिस्टिक्स सुन रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स राइट हैं, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स किस आधार से हैं? वो स्टैटिस्टिक्स है वर्तमान परिस्थिति के आधार से, वर्तमान प्रेजेंट के आधार से, प्रेजेंट की वाइब्रेशन, प्रेजेंट की एनर्जी के आधार से स्टैटिस्टिक्स होता है। अगर वाइब्रेशन चेंज कर दी तो स्टैटिस्टिक्स बदल जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स चेक करने का और याद रखने का रोल मीडिया का, सरकार का और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का है। उसके अलावा बाकी समाज का रोल ये नहीं है कि वो स्टैटिस्टिक्स को सुने सारा दिन, कितने हो गए अभी और कितने हो गए, मेरे शहर में कितने हो गए, मेरी स्टेट में कितने हो गए। ये रोल हमारा नहीं है सुनने का। ध्यान रखो मगर डरो नहीं, टेक केयर बट डोंट पैनिक। अब वो डोंट पैनिक के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को इन बातों से साक्षी रखकर यहाँ पर सही सोचना शुरू करना पड़ता है, ताकि हमारी सही सोच का सहयोग देकर हम देश के और विश्व के स्टैटिस्टिक्स को बदल सकते हैं। मन की स्थिति का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, मन की स्थिति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, मन की स्थिति का प्रभाव दूसरे लोगों के मन के ऊपर पड़ता है। इस शक्ति को इस समय यूज करना है। तो वो हाई एनर्जी वाइब्रेशंस जो हमें धार्मिक स्थान पर अनुभव होते हैं, मेडिटेशन सेंटर पर अनुभव होते हैं, वो हाई एनर्जी वाइब्रेशंस जो हम सबको दिन में थोड़ी देर के लिए अनुभव होती हैं, जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम सुबह उठ के भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सबको बहुत सुकून मिलता है, लेकिन सारा दिन में हम फिर अपने नॉर्मल पर आ जाते हैं। तो अब जो हमें करना है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ईजी भी है। जो हमारी सुबह की स्थिति होती है, और ये बहुत ईजी है, सहज और सरल, सिर्फ अटेंशन रखना है। जो हमारी सुबह की स्थिति होती है, जो हमारी सुबह की सोच होती है, जो हमारे सुबह के संकल्प होते हैं, वो बहुत हाई एनर्जी होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम ज्ञान स्टडी करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारी एक एक संकल्प बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। अब वैसे तो रोज के लिए ये होना चाहिए, लेकिन अगले 2 महीने के लिए तो बहुत जरूरी है। हमें क्या करना है, जो हमारी सुबह की भाषा है, हमें उसको अपनी सारा दिन की भाषा बनाना है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हम सबको एक नई भाषा सीखनी है, और भाषा सीखना तो बहुत सहज होता है। छोटा 2 साल का बच्चा भी 2-3 भाषाएं सीख जाता है, और ये भाषा तो बहुत ईजी है। इस भाषा में हमें क्या करना है, हर शब्द, हर वाक्य यहाँ होना चाहिए हाई एनर्जी। निराशा ना उम्मीद नहीं, आशा भी नहीं, वो भी इस समय नहीं काफी है, क्योंकि एवरेज वाइब्रेशन से सृष्टि को जल्दी नहीं ठीक कर सकते।
बेटर कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी ठीक करना है। तो हमें एवरेज भी नहीं, हमें हाईएस्ट, निश्चय, विश्वास। अब हमें क्या करना है, अपने हर सोच को, अपने हर शब्द को, भाषा को बदलना है। दुआओं की भाषा, मेडिटेशन की भाषा, प्रार्थनाओं की भाषा, श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा, सारा दिन। जब एक ये करना शुरू करेगा, हर घर में सिर्फ एक चाहिए, अगर एक करना शुरू करता है, एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर। हमें अब सबके मन का ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना हमें आ गया है, हम घर पे हैं, हमें पता है कैसे रहना है, लेकिन मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे देश में, विश्व में तो हो रहा है, हमारे देश में भी डिप्रेशन रेट, एंजाइटी अटैक रेट, और इस समय तो विश्व के कई देशों में आत्महत्या का स्टैटिस्टिक, सुसाइड रेट बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि इतना निराशा हो गया कि जीवन जीने का तो कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। तो मन को संभालना है, परिस्थिति को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन मन ठीक होंगे तो परिस्थिति को संभालेंगे। तो मन की भाषा को बदलना है, मन के सोचने के तरीके को बदलना है। तो वो नई भाषा आज हम सीख लेते हैं, बहुत सिंपल है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सारा दिन करनी है। अगर हमने 10 दिन के लिए ये छोटी बातें सारा दिन में कर ली, 10 दिन के अंदर, कोई भी इसको एक्सपेरिमेंट कर ले, 10 दिन के अंदर आपके मन की स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। और कुछ दिन के अंदर वो छोटी छोटी बातें, आपकी भाषा बनानी नहीं पड़ेगी, वो आपका सोचने का तरीका, आपका स्वरूप, आपकी स्थिति बन जाएगा। तो सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत उन श्रेष्ठ संकल्पों से करने हैं। एक छोटी सी आदत है जो हमें बदलनी होगी, क्योंकि अभी वो कई समय से हमारी एडिक्शन हो चुकी है, और वो आदत है उठते ही अपने फोन को देख लेना। उठते ही दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे क्या हुआ रात को, या मैसेजेस मुझे कौन से आए, इवन वर्क रिलेटेड, हमारे काम से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई मैसेजेस, सुबह सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, सुबह सुबह, ये साफ है, स्वच्छ है, बचपन से सुनते आए थे, जो सुबह उठ के पढ़ोगे वो सारा दिन याद रहेगा। जब कोई दिन ऊपर नीचे होता था तो लोग पूछते थे, आज सुबह किसका चेहरा देखा था। ये सुबह का इतना क्या महत्व था कि सुबह किसका चेहरा देखा, मतलब सुबह सबसे पहले यहाँ किसको याद किया। यहाँ से चेहरा देखने की तो बात ही नहीं थी, वो सुबह की पहली सोच कौन सी थी। तो पहले हम 20-30 साल पहले अगर जाएं, जब हमारे पास फोन और बाकी गैजेट्स नहीं थे, तो सुबह उठकर भगवान को याद करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, हवन करते थे, मेडिटेशन करते थे, हर घर में होता था। आज भी होता है बहुत घरों में, मेजोरिटी घरों में आज भी होता है। सिर्फ फर्क ये पड़ गया कि वो करने से पहले हम फोन देख लेते हैं। ये छोटी सी बात यहाँ की शक्ति को घटा देगी, क्योंकि पहले अगर फोन देख लिया तो ये जो साफ था, एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट थी, एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, ये चूस लेता है सुबह सुबह की बात को। तो जब ये साफ था, हमने दुनिया की बातों को इसके अंदर डाल दिया, चाहे 5-10 मिनट, हम ज्यादा देर नहीं फोन के साथ सुबह बैठते, बस ऐसे 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 देख लेते हैं, लेकिन वो 5-10 मिनट के अंदर हमने दुनिया की सारी बातों को इसके अंदर डाल दिया। हमें परमात्मा की बातों को इसके अंदर डालना था, क्योंकि सुबह सुबह किसका चेहरा देखा, उसका कनेक्ट करना था, लेकिन हमने उसको याद करने से पहले दुनिया को देख लिया, और दुनिया की बातों को जब इसके अंदर डाल दिया, फिर हमारी शक्ति, हमारी सोच दुनिया की बातों से प्रभावित हो गई। हमें दुनिया की बातों से अपनी स्थिति को प्रभावित नहीं करना, हमें ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव यहाँ डालना है, क्योंकि इस समय दो शक्तियां सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी और शक्ति तो पूर्ण रीति इस परिस्थिति का सामना कर नहीं पा रही है। दो शक्तियां हैं, परमात्मा की शक्ति और हमारी अपनी आंतरिक शक्ति, इसको यूज करना है। और हम सबको इतिहास में पता है कि आंतरिक शक्ति से क्या 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 मिरेकल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो सुबह 1 महीने के लिए ये करके देखें,
थोड़े दिन मन करेगा मैं एक मिनट देख लूं, दो मिनट, थोड़े दिन के लिए, ये एडिक्शन है जिसको हम छोड़ते हैं, थोड़े दिन के लिए फोन को एक घंटे के बाद देखेंगे, एक घंटे के बाद, सुबह का एक घंटा हमारा अपना और उसके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए। एक है दुनिया को अपने अंदर भरना और एक है परमात्मा को अपने अंदर भरना और फिर अपनी स्थिति से दुनिया को बदलना। दो डिफरेंट जीवन देने का तरीका है। तो सुबह पहले फोन नहीं, सबसे पहले संकल्प सुबह के, शुक्रिया। सुबह नींद खुलते ही पहले शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, वातावरण, प्रकृति, सहयोगी सबका, प्रकृति का शुक्रिया। ये रोज हमें शुक्रिया करना चाहिए। सुबह सुबह शुक्रिया करते ही हमारे मन की फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाती है और सारा दिन में हम शिकायत कम करेंगे, ना के बराबर, क्योंकि शिकायत की फ्रीक्वेंसी से हटकर हम शुक्रिया की वाइब्रेशन पर आ जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ थॉट्स जो हम संकल्प करेंगे, और स्पेशली अभी हम अगले एक महीने के लिए एक होमवर्क की तरह इसको करते हैं, हम 10 संकल्प करते हैं अभी, और ये आप लिख भी सकते हैं, इसको एंड में हम फिर से रिपीट भी करेंगे। ये 10 संकल्प हैं, ये 10 संकल्प हमें दिन में कई बार करने हैं, और ये संकल्प वो हैं जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो जाए, संकल्प से सिद्धि। तो हम वो संकल्प करेंगे जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो जाए। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, I am a powerful being. अब शक्तिशाली से क्या होता है? परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर नहीं, लोगों का प्रभाव मुझ पर नहीं, मैं शक्तिशाली, मैं ऊपर, मेरा प्रभाव लोगों पर, मेरी एनर्जी लोगों के पास। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, I am a powerful being. दूसरा संकल्प, मैं शांत आत्मा हूँ, I am a peaceful being. चाहे कोई भी बात आ जाए, शांत रहेंगे, शांत रहकर परिस्थिति को क्रॉस कर लेंगे, शांत रहकर दूसरों के मन को भी शांति देंगे और शांत रहकर अपने शरीर को भी सेहत देंगे। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। तो दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, आई एम अ पीसफुल बींग। तीसरा संकल्प, मैं निर्भय हूँ, निडर। अब हमें सोचेंगे कि मुझे वैसे डर तो लग नहीं रहा, फिर हम ये वाला क्यों करें? हम ये वाला संकल्प इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे आसपास बहुत डर है, और जब आसपास बहुत डर होता है तो कभी ना कभी थोड़ा सा उसका असर हमारे ऊपर आ जाता है। जैसे हवा में जो पोल्यूशन होता है ना, उसका असर हम पर आता है, वैसे इस समय वाइब्रेशन में डर है। तो हमें हर रोज ये कहना है, मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ, तो हमारी वाइब्रेशन ऊपर जाएगी। पहले 3 थॉट्स, 3 संकल्प, शक्तिशाली हो, शांत हो, निर्भय हो। चौथा संकल्प, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। ये संकल्प हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे कभी ना कभी एक थॉट आ जाती है, कहीं मुझे हो गया तो। अभी तो फिर भी हम घर पे हैं, जब हम बाहर निकलेंगे, लोगों के बीच बीच आएंगे, ऑफिस जाएंगे, कोई ना कोई तो सामने आएगा ही, चाहे दूर होगा लेकिन है तो संग में है ना, तो फिर ये डर बढ़ जाएगा उस टाइम। तो इसलिए ये संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। हम बहुत कैजुअली इस लाइन को सोच लेते हैं, बोल लेते हैं। इक्वेशन याद रखिएगा, संकल्प से सिद्धि, जो चाहते नहीं के हो वो संकल्प स्वप्न में भी करना नहीं। तो ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मुझे हो गया तो, परिवार को हो गया तो, ये थॉट नहीं आना चाहिए। तो ये संकल्प न आए, उसके लिए हमें रोज क्या संकल्प करना है? मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। ये चौथा संकल्प। पांचवा संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ, एक ऊर्जा का सर्कल है, परमात्मा की शक्तियां एक एनर्जी का सर्कल है मेरे चारों तरफ। और इसको देखें, इस दृश्य को यहां बनाएं कि
कि परमात्मा की शक्तियों का एक सफेद या सुनहरा सर्कल मेरे चारों तरफ है, सुरक्षा कवच है ये। छठा संकल्प, इसके अंदर कुछ नहीं घुस सकता। नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल, आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स एनर्जी, नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल। ये हमारा सिक्स्थ संकल्प था। सेवेंथ संकल्प, परमात्मा की शक्तियां मेरे परिवार के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। फैमिली के हर मेंबर को देखिए और उनके अराउंड ये सर्कल बनाइए, वो सुरक्षित है। ये सेवेंथ संकल्प। एट्थ थॉट, आठवां संकल्प, मेरी नौकरी, मेरा काम, मेरा व्यापार परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित है, सेफ है। मेरी सैलरी, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस सब सेफ है। और इस साल तो जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है मेरा बिजनेस और जॉब। संकल्प, क्यों ये संकल्प करना है? क्योंकि हम ये भाग्य बनाना चाहते हैं और जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेगा। आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे देश के चारों तरफ है और मेरी सृष्टि के चारों तरफ है। विजुअलाइज कीजिए परमात्मा की वो व्हाइट लाइट की एनर्जी पूरी ग्लोब के चारों तरफ, एक हीलिंग एनर्जी। मेरी सृष्टि सुरक्षित है, मेरी दुनिया प्रोटेक्टेड है। ये हमारा नाइन्थ संकल्प है। और हमारा लास्ट दसवां संकल्प, वो चीज जो आई थी इस सृष्टि पर, उसका नाम नहीं लेते हम अपने सुबह सुबह, हम कहते हैं वो चीज जो आई थी वो चली गई है हमेशा के लिए, फिर कभी ना आने के लिए। वो चली गई है वो चीज हमेशा के लिए। अगर हम सब मिलकर हर रोज दिन में कई बार ये संकल्प करेंगे, वो चीज चली गई है, चली गई है, चली गई है, आप देखिएगा स्टैटिस्टिक्स बदल जाएंगे। लेकिन जिनका वो रोल है वो तो स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन उसके बाद 130 करोड़ का देश, 700-800 करोड़ की दुनिया सारे उस स्टैटिस्टिक्स को रिपीट करती है, उसी का उच्चारण करती है। 6 महीने और रहेगा, 1 साल और रहेगा, 2 साल और रहेगा, फिर तो वो स्टैटिस्टिक्स पक्का सिद्ध हो जाएगा। बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत सारे मन वो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, दो लोग एक कमरे में बैठे हैं, अगर एक का मन ये थॉट क्रिएट करता है ना, अब ये जाए, बहुत देर हो गई है, मुझे काम करना है, लेकिन बोल थोड़ी सकते हैं उनको, सिर्फ सोचते हैं कि बस अब इसको जाना चाहिए अपने घर। 5 मिनट के अंदर सामने वाला व्यक्ति उठकर जाएगा, हम उसको बोलेंगे बैठो बैठो थोड़ी देर, कहेगा नहीं बस मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना है। मन की स्थिति का प्रभाव मन पर, प्रकृति पर, परिस्थिति पर। तो वो चीज जो आई है वो चली गई है हमेशा के लिए, नेवर टू रिटर्न अगेन, दैट थिंग इज गॉन फॉरएवर, नेवर टू रिटर्न अगेन। 10 संकल्प हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। 5th thought, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। 6th, कोई भी चीज इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। और जब हम कहते हैं कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, मतलब कोई वाइब्रेशंस भी नहीं। 7th, परमात्मा की शक्तियां मेरे परिवार के अराउंड सुरक्षा कवच है। 8th thought, परमात्मा की शक्तियां मेरी जॉब, मेरे बिजनेस, मेरी संस्थान के चारों तरफ सुरक्षा कवच है, सब सेफ है। मेरा जॉब, मेरा बिजनेस इस साल पहले से भी बहुत अच्छा होने वाला है, और फिगर आप खुद डालिएगा अपने संकल्प में। 9th thought, मेरा देश परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित है, मेरी सृष्टि परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित है। एंड 10th thought, वो चीज जो आई थी, आई थी, आई है नहीं, आई थी, खत्म हो चुकी है हमेशा के लिए, never to return again. 10 thoughts, सिर्फ 10 संकल्प, सोचने में लगेंगे सिर्फ 10 सेकंड,
10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता ये संकल्प सोचने के लिए। सुबह सुबह ये 10 संकल्पों को अपने मन में 4-5 बार दोहराएं, क्योंकि जैसा संकल्प वैसी सिद्धि होगी। और जैसे जैसे दोहरा रहे होंगे इसको देखना शुरू करें। फिर आधा घंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आधा घंटा ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी, आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, ये अंदर भरे। क्योंकि जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो हम बनते हैं, ये हमें फाइनल करना है। पिछले 2 महीने से क्या हुआ, हम सिर्फ वो ही सुन पढ़ देख रहे थे, क्योंकि सिर्फ वो ही और उसी तरह से सुनती हुई बातें सुन पढ़ देख रहे थे, हम वो ही बन रहे थे, हम कुछ और बन नहीं रहे थे। और क्योंकि हम यहाँ कुछ और बन नहीं रहे थे, हम बाहर कुछ और बना नहीं पा रहे थे। हमें सुबह की हम क्या सुनते पढ़ते देखते हैं उसका बहुत ध्यान रखना है। तो कम से कम आधा घंटा, वैसे तो हम 1 घंटा स्टडी करते हैं सभी, लेकिन आधा घंटा परमात्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक स्टडी, जिसका हर शब्द हाई एनर्जी वाइब्रेशन, डिविनिटी, प्योरिटी, पावर, आधा घंटा इसका अध्ययन। मेडिटेशन मतलब परमात्मा से अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन, हम सब करते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा ज्यादा बैठ के अच्छे से अपनी बात कर लेनी चाहिए। जीवन में क्या क्या चल रहा है, बिजनेस फैमिली में क्या क्या हो रहा है, जॉब पे क्या है, सब उसको बता दीजिए। और फिर एक संकल्प कीजिए, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप मुझे यूज करके मेरे थ्रू सब सही कर्म कैसे हो ये मुझे टच करते जाना। भगवान को अपना साथी बना लेते हैं। तो ये हमारा सुबह का 1 घंटा हुआ। बाकी शरीर का ध्यान तो हम रखते ही हैं, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज से। तो आत्मा और शरीर दोनों की एनर्जाइजिंग अगर सुबह हो जाती है तो पूरे दिन पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर सारा दिन में, क्योंकि नई भाषा है ना, वो 10 संकल्प हमारे नई भाषा है, सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 30 सेकंड के लिए रुकना है। वैसे 1 मिनट, बट फिर भी शुरू में 30 सेकंड, हर 1 घंटे के बाद 30 सेकंड के लिए रुककर उस 10 संकल्पों को फिर से रिपीट करना है। और रिपीट सिर्फ ऐसे बोलना नहीं है, फील करते हुए उसको रिपीट करना है। फिर रात को सोने से पहले सोने का तरीका सही होना चाहिए। हम सब क्या करते हैं, टीवी देखते हुए, कोई मूवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए, न्यूज सुनते हुए, इधर उधर का क्या हो रहा है वो सब कुछ यहाँ भरते हुए हम सो जाते हैं। कई बार काम की ईमेल्स देखते हुए, उससे क्या होता है, अगर ये आखिरी 1 घंटे के अंदर गया तो हम उसके बाद शरीर सोता है, मन वो सब सोचने लग जाता है जो यहाँ चल रहा था, और फिर वो ही वाइब्रेशंस हमारे शरीर को ही जाते हैं। इसलिए हमारी नींद में ना हमारा मन एनर्जाइज होता है और ना हमारा शरीर एनर्जाइज होता है, क्योंकि सोने से पहले सही बातें अंदर नहीं डाली थी। तो सोने से 1 घंटा पहले हमें सब टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अपने आप को किनारा करना चाहिए। अपने आप के साथ समय बिताएं, परिवार के साथ समय बिताएं, कुछ लिखें, कुछ ऐसा पढ़ें जो बहुत हाई वाइब्रेशन है, लेकिन कुछ ऐसा ना पढ़ें जो मन की गति को बढ़ाता है, कुछ ऐसा भरें जो मन की गति को स्लो डाउन, धीमा करता है। क्योंकि नींद के लिए मन की गति को धीमा होना पड़ेगा। आज कई देशों में नींद की दवाई सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई है, नेचुरल चीज, नींद नहीं आ रही है क्योंकि मन की गति बहुत ज्यादा है। तो 1 घंटा हमें इवन अपने काम की बातें आखिरी 1 घंटे में नहीं करनी चाहिए। कोई काम की ईमेल, कोई मैसेजेस आखिरी 1 घंटे में नहीं होना चाहिए सोने से पहले। जस्ट सोने से पहले 10-15 मिनट फिर से अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी, परमात्मा का ज्ञान, ताकि आखिरी शब्द जो अंदर जाएंगे रात को सोने से पहले वो हाई एनर्जी होंगे, तो सारी रात 6 घंटा वही शब्द यहाँ चलेंगे और वही शब्द की एनर्जी शरीर में भी जाएगी। कम देर में बहुत अच्छा सोएंगे और जब उठेंगे ये बैटरी भी चार्ज होगी और ये बॉडी भी हेल्दी होगी। तो सुबह का 1 घंटा और रात का 1 घंटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारा दिन में बीच में हर 1 घंटे के बाद रुककर 30 सेकंड हमें वो संकल्प रिपीट करने हैं। और लास्ट बात, हमारा भोजन,
जिसका हमारे मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, बचपन से सुनते आए हैं, इस समय थोड़ा सा उसको ज्यादा यूज करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी हमें इस समय आवश्यकता है। इस समय आई थिंक हम में से मेजोरिटी सात्विक खाना खा रहे होंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ने भी हमें बताया है कि अल्कलाइन खाना खाना चाहिए, मतलब वेजिटेरियन सात्विक खाना। अगर नहीं खा रहे हैं तो प्लीज आज से शुरू करके देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिर्फ 3 महीने के लिए सात्विक खाने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों हम इस समय तामसिक नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते हैं? क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन है उसमें ही डर है। एक एनिमल, एक पशु स्लॉटर हाउस में उसकी वाइब्रेशन क्या होती है? गुस्सा, दुख, दर्द, डर, हेल्पलेसनेस, फिर हिंसा, फिर मृत्यु। हम ये वाली वाइब्रेशन तो नहीं खा सकते ना इस समय। इस समय तो हमें डर को खत्म करना है, हम डर वाला खाना कैसे खा सकते हैं? इस समय तो हमें हाई एनर्जी वाला खाना खाना है, हमें इस समय प्रसाद खाना है। इस समय हमें पानी नहीं पीना, हमें अमृत पीना है, सारा दिन अमृत पीना है और सारा दिन प्रसाद खाना है। तो हम वेजिटेरियन खाना 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करें, 3 महीने में आपको अपने अंदर बहुत चेंज दिखाई देगा। अब खाना बनाने का तरीका, एक बहुत सुंदर बात जो इस समय हो रही है, हम सब घर का खाना खा रहे हैं और हम सबको उसकी रिजल्ट भी दिखाई दे रही है, घर का खाना। तो घर में जब हम खाना बनाते हैं तो किचन में, रसोई घर में सारा दिन परमात्मा के याद के गीत चलने दीजिए। अभी आप देखिए, हमें एक गीत सुना, 4 लाइन सुनी गीतों की सिर्फ, लेकिन उस एक गीत के 4 लाइन में भी हर शब्द हाई एनर्जी वर्ड था। जब ऐसे गीत हमारे रसोई घर में बजते रहेंगे तो रसोई में पड़ा हुआ पानी, सब्जी, फल, अनाज, सब इन शब्दों से एनर्जाइज हो जाएगा। क्योंकि इस समय तो शहर के पानी में भी डर है, सब्जी और फ्रूट में भी, फल में भी डर है, तो हमें उस डर को भी धोना है। हम सब्जी फल को तो धो देते हैं, उस डर की वाइब्रेशन को भी तो धोना है ना। तो इसलिए रसोई घर में उस तरह परमात्मा के याद के गीत, भजन, जो आपको अच्छा लगे, पूरा दिन चलते रहे, ताकि पानी की ऊर्जा भी बदल जानी चाहिए। मंदिर में, गुरुद्वारे में प्रसाद लंगर कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है, भगवान को याद करते हैं और वहां वो गीत चलते हैं, भजन चलते हैं, सेवा भाव से खाना बनता है, उसको हम प्रसाद और लंगर कहते हैं। तो वो हमें इस समय अपने घर में बनाना है। जो भोजन बनाने वाले हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि खाना बनाते समय आप अपनी संकल्पों को दोहराइए, आप परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाइए, आप ज्ञान की बातें सोचते हुए खाना बनाइए, आप उन 10 थॉट्स को सोचते हुए खाना बनाइए। तो जो खाना बनाते समय स्थिति होगी वो खाने की वाइब्रेशन बन जाएगी। फिर लास्ट चीज, खाना खाते समय एक मर्यादा, एक नियम घर में बना लेते हैं कि खाना खाते समय घर में ना टीवी चलेगा और ना किसी का फोन चलेगा। फोन होगा ही नहीं हमारे पास खाने के पास, 10 मिनट ही लगते हैं खाना खाने में, लेकिन उस समय नो टीवी नो फोन, ये 2 चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि उन 2 चीजों पे जो चल रहा होगा वो खाने की वाइब्रेशन में आ जाएगा। परमात्मा को याद करके खाना खाना शुरू कीजिए। 10 सेकेंड रुककर वो जो 10 संकल्प हैं उनको फिर से दोहरा दीजिए, हर खाने से पहले, हर बार पानी पीने से पहले, हर बार चाय कॉफी दूध पीने से पहले, हर बार फल खाने से पहले, मतलब मुख में जो जाने वाला है उसको परमात्मा की याद से, वो संकल्प से एनर्जाइज करके अगर हम मुख में डालेंगे तो थोड़े दिन के बाद वो जो हम डाल रहे हैं वो थोड़े दिन के बाद हमारा नेचुरल संकल्प बन जाएगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये 2 लाइन्स को इस समय यूज करना है। तो कितनी बार हो गया नया भाषा सीखने का? सुबह सबसे पहले, फिर हर एक घंटे के बाद 30 सेकेंड, रात को सोने से पहले, और जितनी बार मुख में कुछ जाएगा। अब अगर इतनी बार कर लिया तो मतलब एक दिन में कम से कम हमने 20 बार दोहरा लिया। और अगर कोई शब्दों को
20 बार हम एक दिन में दोहरा लें, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर वो शब्द हमारा स्वरूप बन जाएंगे, वो शब्द हमारी स्थिति बन जाएंगे, वो शब्द हमारी वास्तविकता बन जाएंगे, और जब वो हमारा स्वरूप हमारी स्थिति बन जाएंगे तो वो सिद्ध हो जाएंगे। और हम सिर्फ अपना भाग्य नहीं बदलेंगे, हम अनेकों का भाग्य और सृष्टि का भाग्य बदलने के निमित्त बन जाएंगे। तो संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि बनती है, इसको पकड़ लेते हैं और परमात्मा की शक्ति और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर आई हुई परिस्थिति को, प्रकृति को, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जो अपने मन का ध्यान रखते हैं वो प्रकृति जीत बनते हैं, प्रकृति को भी जीत लेते हैं। ये समय है सब कुछ जो आता है उसका उपयोग करके इस सृष्टि के भाग्य को बदलने का, और पुनः एक बहुत सुंदर दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण करने का हमारे पास इस समय ये जिम्मेवारी भी है और हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शिवानी दीदी, आपसे ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिल रही है इन बातों से। आपने बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाया, मुझे तो पूरी तरह समझ में आया। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है आज हमारे दैनिक भास्कर के नॉलेज वेबिनार में आने के लिए और अपने इस टाइम को हमारे साथ बिताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दिस इज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं वेबिनार सुन रही हूँ और मैं देख भी रही हूँ क्वेश्चंस को। आपने काफी कुछ आज एक्सप्लेन किया है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी टाइम टू आल्सो टेक एनी मोर क्वेश्चंस बिकॉज़ वी आर चीज कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पूरे देश में हैं, हर शहर में इतने सेंटर्स हैं। किसी का भी मन करे बात करने का बहनों से, या मन करे कोई प्रश्न पूछने का, या मन करे कि उनको कोई मेडिटेशन फोन पे कराए, या कोई चिंता है और किसी से बात करने की जरूरत लग रही है, आप प्लीज वेबसाइट से अपने शहर के सेंटर का, या कोई भी शहर, अभी तो फोन पे करना है, कहीं भी फोन कर सकते हैं। फोन करके भाई बहनों से बात कीजिए, वो आपकी सेवा के लिए हमेशा हम सारे हाजिर हैं। तो इस समय सेवाओं को यूज कीजिए और फोन कीजिए, भारी मन ज्यादा देर रहने नहीं दीजिएगा, इमीडिएटली फोन करके बात करके मेडिटेशन करके हल्का हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ फैंटास्टिक सजेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग द वेबिनार टुडे। और आप लोगों का आई एम श्योर कि आपने काफी कुछ सीखा होगा। दैट्स द अटेम्प्ट ऑफ दीस वेबिनार्स, टू इंपार्ट नॉलेज एंड यूज इट इन आवर डेली लाइव्स। Thank you very much, Shivani Didi. Om Shanti. Om Shanti.